में कर थोड़ा। हाँ नहीं करती, कैसे करती गुड़ाई खेत में? शक्ल भी दिखाओ थोड़ी थोड़ी जरा। दीपा ये तो शर्मा गई। हाँ तुम भी आ रहे हो, आ रहे हो यार। ये कैमरा बड़ा जबरदस्त है। इधर आओ, इधर ये देखो, ये पास तुम बता था। तास लेगा, तास रखा के कुछ हमारा क्या काम है? दो तास ले इधर, दो इधर। हाँ आगे इधर बेटा, यहाँ बीच में। हाँ दूर फेंको, शाबाश। शक्ले भी दिखाओ जरा थोड़ी थोड़ी। कुदाली वाले आगे आओ, तब तक जो बड़े बड़े हैं ना कहीं दिखते तुम्हारे को। कुदाली वाले आगे, मार मत खिलाना भाई, बस बाकी सब कुछ खिलाओ यार, इसमें डालो। हाँ हाँ आ रहा हूँ मैं भी। On behalf of the entire fraternity of Government College Anni at Haripur, it is my pleasant duty to welcome all the team members present over here. Hamare mukhya atithi Shri Upendra Kant Mishra पंडाल की तरफ बढ़ते हुए, he is being escorted by Dr. R. K. Kayasta, Principal Government College Anni, officials of the university, Dr. Gopal Dashta, and faculty of Government College Anni. मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। हमारे इसमें प्रोग्राम अपने टूर्नामेंट खेलने आए सभी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सभी बच्चों का यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र ऐसे तो पिछड़ा हुआ नहीं कह सकते, यहाँ प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, पर फिर भी इस तरह के इतने सारे कॉलेज के पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पे आयोजन कराना है अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर फिर भी यहाँ पे आप लोगों ने, जैसे अभी हमारे कायद साहब ने कहा कि इन्होंने ये प्रयास किया, तो मैं कायद साहब का और इनकी पूरी टीम का, इनके जो कॉलेज की टीम का और इनके बाकी जितने भी दूसरी आपकी पीटीए वगैरह की भी आपकी एसोसिएशन रहती होगी, और यहाँ पे हमारे दूसरे अपने धनीराम ठाकुर जी हैं, और आप सभी पूरी टीम का कि आपने इतने इस क्षेत्र में जहाँ भी हमारी उतनी फैसिलिटीज नहीं है, फिर भी आपने जो इतना बड़ा एक साहसिक कार्य यहाँ पे किया, आप सभी इस कार्य के लिए बधाई के पात्र हैं।
सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों से और यहाँ के जो जितना भी स्टाफ है बच्चों के साथ आया और साथ ही यहाँ के कॉलेज के और दूसरे जो यहाँ के इस ऑर्गेनाइजर जो इस प्रोग्राम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया आपसे क्षमा चाहूंगा। मैं मेरी जिंदगी में कोशिश रहती हूँ कि अगर मेरे को 2 बजे बुलाया तो मैं 2:45 बजे उस कार्यक्रम में पहुंचूं। आज मुझे 2:15 बजे का टाइम दिया गया था पर मैं 3:15 बजे पहुंचा, 1 घंटे से लेट। मेरे लाइफ का शायद ये पहला, बहुत सारे कार्यक्रम मैंने जीवन में किए, ये पहला कार्यक्रम ऐसा होगा जहां मैं जो है समय से बाद पहुंचा, नहीं तो मैं 5 मिनट पहले समय से पहुंचता हूं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर करवत क्षमा चाहूंगा कि आप मुझे क्षमा करेंगे। मेरा व्यक्तित्व इतना बड़ा नहीं है कि आप लोग मेरे लिए इंतजार करें, मेरी कोशिश रहती है। मैंने कहा कि मेरा व्यक्तित्व इतना बड़ा नहीं है कि कोई मेरे लिए इंतजार करे, मैं एक साधारण आदमी हूं, पर इतना जरूर है कि मेरे लाइफ का हर एक सेकंड, हर एक मिनट वो जो है पहले जो निश्चित हो गया होता है। जरूर मैंने आज से 8 या 9 दिन पहले यहाँ इस कार्यक्रम के लिए हामी भरी थी, पर उससे लगभग 1.5 महीना पहले हमारे, जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आपके सामने जो काम चला हुआ है प्रोजेक्ट का, इसमें अगर गवर्नमेंट विभाग की तरफ से देखे तो लगभग 200-250 आदमी जो है इस काम को मैनेज करने के लिए होते हैं, बहुत सारे विभाग होते हैं इसको मैनेज करने के लिए। यह सिंगल मैन शो है, एक आदमी है। तो आज मेरे कायद साहब, मेरे डिजाइनर आए हुए थे बाहर से, उनका भी टाइम 2-3 महीने पहले लेना होता।